तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल मगर तुम सब बढ़िया होंगे एकदम मजे होंगे। भाई लो, तुम्हारा भाई आ चुका है एक और ब्रांड न्यू गेमिंग वीडियो में। फिर इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो स्वॉर्ड डैश अनरोड गेम है ना, आपको पता कि गेम आ चुकी है, बट कई लोगों को पता नहीं होगा कि ये गेम कैसे खेलते हैं, उसी के बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया, आपको कुछ नहीं समझ लगा कि इस गेम में क्या करना है एंड इसमें क्या क्या सेट दिया गया, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो शुरू करते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट का हिसाब से वीडियो को तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अरे गेम डाउनलोड करने का, इस गेम डाउनलोड करने के बाद आपको ना कुछ ट्यूटोरियल खेलना पड़ सकता है इस गेम में, फिर आपको ये मेन पेज दिखाई दे जाएगा। गाइस पहले इसकी जो बेसिक सेटिंग है ना गेम की, वो देख लीजिए इसमें क्या दिया गया, फिर आपको मैं गेम खेल के दिखाता हूँ। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले यहाँ पर आपका ना प्रोफाइल शो हो जाएगा, सॉरी जो आपका एक तरह से गियर का लेवल है, ठीक है, वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मेरा लेवल 5 है एंड ऐसे ऐसे आपको जैसे जैसे रिवॉर्ड कलेक्ट करती जाओगे वैसे आपका ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। उससे नीचे आएंगे आपको मेन का ऑप्शन दिखाई देगा, मेन में आपको ये वाले जो लेवल है, जो आपके लेवल है ना, ठीक है, गेम के, वो दिख जाएंगे यहाँ पर। जो आपने क्लियर किए हुए हैं वहाँ पर तो स्टार लग जाएगा, जो आपने क्लियर नहीं किए वो यहाँ पर आपको खेलने के लिए दिख जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे खेलते हैं। तो उससे नीचे आपको मेन के नीचे आपको इवेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इवेंट्स भी आप खेलते हो, जो जो यहाँ पर इवेंट चलते हैं वो आपको यहाँ पर खेलने को दिख जाएंगे एंड उनका रिवॉर्ड भी यहाँ पर ऊपर वो गो बटन के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे उससे नीचे आपको स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा। स्टोर में आपको पता ही है कि यहाँ पर परचेसिंग का ऑप्शन होता है, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। एंड हीरोज़ का ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका प्लेयर का लेवल डाउन है, ठीक है, तो यहाँ से आप अपग्रेड भी कर सकते हो आप अपनी मर्जी के अनुसार। एंड यहाँ पर गेयर को सेलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर गेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, सॉरी पहले तो इक्विप करता हूँ एंड यहाँ से इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए मैंने अपडेट करता हूँ। अपडेट करने से गाइस ये होगा कि आपका जो लेवल है, जो प्लेयर है वो, ठीक है, वो जल्दी जल्दी वर्क करेगा एंड यहाँ पर उसको जो अटैक है, ठीक है, जॉम्बी से जो अटैक है वो जल्दी बढ़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप जो प्लेयर का लेवल है वो भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, बट उससे पहले आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए। या अब सीधे चलते हैं गेम में। तो गेम खेलने के लिए जस्ट आपको एडवेंचर की तरफ आ जाना है, ठीक है। एडवेंचर पर जैसे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको गो का ऑप्शन दिखाई देगा, तो गो पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही गो पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर जो गेम है आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गेम स्टार्ट हो चुका है एंड लेफ्ट साइड में आपको जॉयस्टिक मिलेगी एंड उससे उसके जैसे ही आपको यहाँ पर गेम में एंटर हो गए ना एंड यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगी, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर ये तीन ऑप्शन पावर की दिखाई होंगी, पावर की मिलती हैं, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ भी या तीन ऑप्शन कुछ भी हो सकती है, कोई भी, ठीक है, जरूरी यही हो कि आगे चल कर कोई भी हो सकती है, बट इसमें राउंड बदलते जाएंगे, ठीक है। कुछ 9 होंगे, कोई 10 होंगे, 12 होंगे, ऐसे, ठीक है, बदलते जाते हैं राउंड इसमें। अब यहाँ पर देखिए जैसे आपकी मर्जी कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं मान लीजिए यहाँ पर जो सेकंड वाला है बेसिक अटैक OMG, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जॉम्बी दिखाई दे रहे हैं, बस आपको जो आपकी तलवार की ना बटन है उस पर क्लिक करके रखना है एंड जो आपका प्लेयर है वो ऑटोमेटिकली अटैक करता जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको पावर देखने को मिल जाएंगी, अभी मैं इसके बाद बताता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए तो राइट साइड में आपको पावर देखने को मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर देखिए जो फिल होगी ना पूरी फिल हो जाएगी, ये ब्लू स्काई ब्लू कलर की लाइन है ना, वो पूरी फिल हो जाएगी, आपके पास पावर आ जाएगी, ठीक है। तो ये पावर आपको तभी यूज़ करनी है जब इसमें ज़्यादा कोई या तो कोई बड़ा जोम्बी आ जाए, ठीक है, एंड या बॉस आ जाए इसका, जोम्बिस का, ठीक है, तभी यूज़ करनी है, ठीक है। पहले में तो यूज़ करना ताकि आपको जो जोम्बिस लास्ट वाला होता है ना बॉस वाला, तो उसको हराने में आपको आसानी रहेगी एंड आपको हेल्थ पूरी रखनी है, इसमें हेल्थ को बढ़ाए रखना है। जो लास्ट में पावर मिलती है ना 3, तो उसमें से आपको हेल्थ भी चूज़ करते रहना है ताकि आपको जब लास्ट में जब जोम्बी से फाइट होगी तब आप उससे आसानी से फाइट ले सको, ठीक है। अभी देखिए मुझे पावर मिल चुकी है, तो अभी मैं अगले राउंड में आपको पावर यूज़ करके दिखाऊंगा इस पावर से होता क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसको भी बढ़ा देता हूँ एंड आपको इस पावर को यूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ कैसे यहाँ पर जो इस पावर को यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे जोम्बीस आ चुके हैं। अब इसमें जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए जैसे ही मैंने पावर पर क्लिक किया एंड यहाँ पर देखिए सारे के सारे जोम्बी यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं ऑटोमेटिक। तो ऐसे आपको पावर यूज़ करते जाना है।
तो आई होप ऐसा कुछ समझ लग गया गेम कैसे खेलते हैं। अगर आपको आपको गेम खेलने में दिक्कत पड़ती है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो बाबा का स्टिक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखने के लिए बाबा का स्टिक के।